Hello everyone, let's start with our meeting. So congratulations to each one of you for joining in for 11 days challenge of gratitude. What do you know about gratitude? Just type in the chat box. Any idea what the word gratitude means? Till then I'll tell about myself. I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I'm practicing in Nasik since last 8 years. And I'm a homeopathic doctor, and I'm taking gratitude coaching classes since last 2 to 3 years. It's been 6 batches I have been taking on gratitude, and there are more than 600 people benefited from it. So it's a long journey, and I can go on speaking about gratitude on and on. So what do you think? What is gratitude? Yes, Abhar. Yes, grateful. Yes. Yes. Okay. Okay. Can you see the screen? Just give a thumbs up if you can see the screen. Okay. Okay, so gratitude in this journey of ours, we are going to we are now 26 people, and in our group there are more than 100 people joining in. So we are going to place the recording of each day for that particular day, or you can say more 11 days that recording will be available. So even you can watch it again if you want to. So what is gratitude? Gratitude means, if you can see me, this is a cup of glass, a cup of water, and if it is full and right now I want to fill it more, so it will overflow. Yani kya hoga, agar ye pani already glass bhara hua hai aur isme main agar aur pani dalu to wo overflow ho jayega. Similarly, gratitude, ग्रेट एटीट्यूड यानी क्या, मेरे को मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है, ये अगर एहसास मुझे अभी होता है तो अपने आप से मेरा एक एटीट्यूड चेंज हो जाएगा लाइफ की तरफ, खुद की तरफ, हर एक एस्पेक्ट की तरफ लाइफ की. यानी क्या, मैं ग्रेटफुल फील करूंगी. ग्रेट यानी ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज्यादा है, टू द फुलेस्ट ओवरफ्लो हो रहा है. और अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ बहुत ज्यादा है तो आप हमेशा ही खुश रहते हो, हैप्पीनेस फील करते हो, और वो हैप्पीनेस एक फीलिंग यानी जो आप फील करते हो वही आप अपने सराउंडिंग में, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड एक जो हम लोग एटीट्यूड कैरी करेंगे अगर हैप्पीनेस का, एक फुलफिलनेस का, एक ग्रेटफुलनेस का, तो वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप से लाएगा. ये 11 डेज के जर्नी में एक हर एक दिन आपके लिए गिफ्ट की तरह होगा अगर आप ये पूरा टास्क करते हो तो. क्योंकि किसी और का एग्जाम्पल देने से आप अपने एक्सपीरियंस को ही एक गिफ्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हो. एक ये कोट बहुत अच्छा है जो ना महात्मा गांधी ने लिखा था. जब ग्रैटिट्यूड किसी को, हम लोग जब बोलते हैं व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव फॉर ग्रैटिट्यूड, महात्मा गांधी ने एक बार बोला कि आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज. मेरे पास शूज नहीं थे इसलिए मैं रो रहा था, बट तभी मैं एक इंसान से मिला जिसको फीट्स ही नहीं थे. सिमिलरली अगर आप देखोगे आपके आजू बाजू, ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन चालू है, इट इज सिमिलर टू थर्ड वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास आर्मी थी बॉर्डर पे जो हमारे लिए फाइट कर रही थी कॉन्स्टेंटली. अभी आपके पास सिर्फ दो ही टूल है, फर्स्ट इज योर इम्यूनिटी, सेकेंड आपका जो एक मेंटल स्टेटस हैप्पीनेस का, एक पॉजिटिविटी का, ये एक जो स्टेटस है. और अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करते हो तो दिस बिकम्स योर बिगेस्ट टूल टू फाइट दिस पैंडेमिक. पैंडेमिक सिर्फ
एक वायरस के साइड फाइट करना नहीं है, जो आजू बाजू की आपकी सारी सिचुएशंस है, जो सोशल स्टैंडिंग्स आप फेस कर रहे हो, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, ये जो सब कुछ पैंडेमिक का इफेक्ट हमारे ऊपर आया है ना, उसको फेस करने के लिए आपको ये सारी चीजें, ये टूल सबसे इम्पोर्टेंटली वर्क करेगा। आज हमारा फर्स्ट डे है, जैसे हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक में सबसे इम्पोर्टेंस आपको, जैसे नहीं, नेचर हील हो रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमको लाइफ में ये पैंडेमिक की वजह से मिले, बट सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को अपनी लाइफ की एक अहमियत समझ में आई है। तो एक फर्स्ट डे जो हमारे ग्रेटिट्यूड का है, दैट विल बी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर ओन लाइफ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कल रात को सोए बट उठे नहीं है। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स आज नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, या हमारे आजू बाजू के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने मिलते थे, जो अचानक से ये पैंडेमिक की वजह से गायब हो गए, गायब इन द सेंस उनकी डेथ हो गई है, या उनके वो कोई अलग भेद से सफर कर रहे हैं। किसी के लाइफ में शायद कोई इफेक्ट आया भी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, बट किसी की लाइफ में ड्रास्टिकली फाइनेंशियल बोलो, फिजिकल बोलो, या हेल्थ वाइज या वर्क वाइज बहुत सारी जगहों में डिफरेंट डिफरेंट वे से इफेक्ट आया है। बट द बेस्ट थिंग इज कि आपको एक लाइफ मिली है जीने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो, एनीबडी नोज व्हाट दिस नंबर इज? 86,400। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, ऑडियो वोंट बी अवेलेबल। क्या आप ये नंबर के बारे में कुछ बोल सकते हो? 86,400। यस, यस। लाइफ इज मेंट ऑफ प्रेजेंट। जैसे हमारी लाइफ में तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और बट हमको जो अभी मिला है दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज दिस 86,400। ईच डे आपके, जैसे यू राइटली सेड, ईच डे आपके अकाउंट में इतने सारे, एक जो एक मैसेज बहुत अच्छा स्क्रोल हुआ था, दैट वॉज कि आपको अगर समझो हर दिन इतनी अमाउंट मिलती है और जो रात तक उसका बैलेंस जीरो होने वाला है, तो आप उसको कितने अच्छे से स्पेंड करोगे। जब मनी की बात आती है तो पर्सन उसको बहुत डेफिनेटली बहुत सोच समझ के स्पेंड करता है, बट वही अगर टाइम की बात आती है तो हम लोगों को यही नहीं पता है कि दिन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। कुछ लोगों तो बहुत ही ज्यादा ओवर डिसिप्लिन रहते हैं, बट आर यू यूजिंग योर टाइम इफेक्टिवली? आर यू यूजिंग योर टाइम टू मेक योर सेल्फ हैप्पी? जैसे हम लोग बोलते हैं एक परफेक्ट लाइफ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं, मेरे को एक परफेक्ट लाइफ चाहिए। क्या परफेक्ट लाइफ हैप्पी लाइफ होती है? या तो अगर आप चूज करते हो हैप्पीनेस ओवर परफेक्शन, व्हाट डज दैट मींस? और लाइफ एग्जैक्टली क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाए तो वी विल लिव आवर लाइफ बेटर, या तो रिच होना चाहिए, पर्सन स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, तो यानी हम हमारी लाइफ पूरी तरीके से जी रहे, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे नहीं, आप कैसे दिखाते हो? आप वो चीज के पीछे कॉन्स्टेंटली टाइम डाल रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, तो दिखाते हो कि ये मेरा अचीवमेंट है, ये मुझे चाहिए तो मेरी लाइफ हैप्पी लाइफ है। वैसे ही जैसे ये एक एग्जाम्पल है रॉबिन विलियम्स का, एक कॉमेडियन है, ये सबसे वहां के हॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल पर्सन में से एक है। इनकी मूवीज अगर आपने देखे होंगे, फ्लबर, अ नाइट एट म्यूजियम, तो अगर आप देखोगे ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ हिज एरा, बट उन्होंने सुसाइड कमिट करी एट द पीक ऑफ हिज अचीवमेंट्स। सिमिलरली ऐसे बहुत लोग आपको देखने मिलेंगे आपके आजू बाजू, जैसे ही इज मिस्टर विलियम, ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, पर्सन ओवर देयर, He is suffering from depression. He was suffering from depression. Similarly, अगर आप बोलोगे माइकल जैक्सन, इनको तो हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने होटल रूम में बैठ के रोता हूँ कभी कभी। He has the biggest fan following. वो बहुत ज्यादा loved है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को लाइफ में प्यार मिला तो ही मैं खुश रहूंगी या मैं एक सक्सेसफुल लाइफ जी रही हूँ, तो वैसे ही आप देखो कि कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको इतना प्यार मिल रहा है, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। कुछ कुछ अभी जो नहीं, टिकटॉक बंद हुआ था, तो शी वॉज द वन हु कमिटेड सुसाइड, सिया कक्कर, एंजेलिना जोली,
the most beautiful, rewarded person. She suffered from depression at the peak of her achievement. The famous actor वो बोलता है कि life जो है video game की तरह लगती है बहुत बार, जबकि वो बहुत successful है, उसको बहुत सारी movies मिली हुई है, बहुत कुछ achievements है, बहुत rewards मिले हैं, सब कुछ है life में, फिर भी. So what exactly life is? आपको पता है इन सब का प्रॉब्लम क्या था? The problem was, या बहुत सारे लोग सफर क्या करते हैं कि वो एक एक ही चीज के पीछे जाते हैं. यानी क्या? Excess of anything is poisonous. अगर हम लोग लाइफ में कहीं तो भी एक बैलेंस लेके आए तो आप अपनी लाइफ का पूरी तरीके से यूज कर रहे हो, एक बैलेंस लाइफ जी रहे हो. आपको समझा? आप कुछ भी चीज, अगर आप स्वीट्स भी एक्सेस में खाते हो ना तो वो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी. दैट विल बी अ पॉइजनस थिंग फॉर यू. तो सिमिलरली अगर आप एक ही चीज पैसों के पीछे भागते हो या फेम के पीछे भागते हो या एक अपने हेल्थ के पीछे भागते हो तो दैट गिव्स यू अ बैकफायर. कभी ना कभी आप एक टाइम पे आके रुक जाओगे. आप अचीव भी कर लोगे तो भी आपको वो लाइफ फुलफिल्ड टाइप की लाइफ नहीं फील होगी. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स जो हमको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ को डिफाइन करने में? जैसे जो मैंने आपको एक इमेज सेंड की थी, द लाइफ मास्टरी पिरामिड, ये मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स में लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे अगर आप देखोगे, इट्स इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म. ये ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों है? ये सात लेयर्स का है. पहली बात तो अगर आप इसमें पढ़ोगे, फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, सेकेंड इज इमोशंस एंड मीनिंग, थर्ड इज रिलेशनशिप, फोर्थ इज टाइम, फिफ्थ इज वर्क, and sixth is finances, and seventh is contribution and celebration. अगर आप देखोगे इसको एक triangular pattern में बनाया है. अभी triangular pattern में क्यों बनाया है? कि आपने अपनी life में इस कौन सी चीज को कितना ज्यादा महत्व देना चाहिए, किसके ऊपर दूसरी चीज बेस्ड है. ये हर एक लेयर एक दूसरे से लिंक्ड है. अगर आप देखोगे आपकी फिजिकल बॉडी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हो, यानी अगर आप एग्जिस्ट करोगे तो ही तो सारी चीजें लाइफ में एग्जिस्ट करेगी, राइट? तो सिमिलरली आपकी फिजिकल बॉडी को यहाँ ये पिरामिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा लेंथ वाली है. सिमिलरली उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, ऐसा जब फॉर्म करते गए तो इट फॉर्म्ड इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म. नाउ व्हाट इज दिस पिरामिड एग्जैक्टली? जैसे हम लोग बोलते हैं ये सेवन लेयर्स का है. फर्स्ट लेयर इज फिजिकल बॉडी. अगर आप अपनी लाइफ को मास्टर करना चाहते हो तो आपको ये सारे सात पैरामीटर्स में वर्क करना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला ना, कोई अगर एक ही चीज के पीछे, जैसे नहीं, कोई कोई लोग बहुत रिच रहते हैं तो दे कंटिन्यूअसली सेलिब्रेट, बहुत पैसे उड़ाते हैं. एक टाइम ऐसे आ जाता है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हैं. सिमिलरली कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपने वर्क में बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं और वो अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ इग्नोरेंस लाते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको डॉक्टर्स के पीछे वो पूरा पैसा देना पड़ता है. सिमिलरली जैसे रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारे लोगों के अगर वर्क में ही बहुत ज्यादा फोकस है और रिलेशनशिप पे नहीं है तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस की वजह से आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है. तो इस क्या है, अगर आप ये पिरामिड को या अपनी लाइफ को मास्टर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सारे सातों लेयर पे वर्क करोगे जैसे इसमें दिया है उसी तरीके से, तो यू कैन मास्टर योर लाइफ. फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी. यानी क्या कि अगर आप देखो, अगर मेरा हेडेक हो रहा है तो मैं अपने वर्क पे 100% नहीं दे पाऊंगी, राइट? तो वैसे ही फिजिकल बॉडी का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. सेकेंड इज इमोशंस एंड मीनिंग. इमोशंस एंड मीनिंग यानी क्या? इमोशंस यानी आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आप किस तरीके से सोचते हो, आप खुद के लिए क्या फील करते हो, आपका सेल्फ वर्थ क्या है खुद को लेके. एंड उसके अलावा मीनिंग्स यानी क्या कि आपका दूसरे की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, आप चीजों के में से कैसा मीनिंग निकालते हो. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग है ना मीनिंग्स अलग से, जैसे नहीं बहुत सारी पर्सन सामने वाला कुछ बोल रहा है बट मैं कुछ अलग बात समझ रही हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाता है रिलेशनशिप में. या अगर मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है कोई पर्टिकुलर चीज का बट मुझे उसका रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा कोई कोच मिला है जो मुझे गाइड कर रहा है कॉन्स्टेंटली बट मैं उसकी चीजों को समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं मेरा ही पर्सपेक्टिव पकड़ के रख रही हूँ, मैं हिलना ही नहीं चाहती, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि मैं वो चीजें लाइफ में अचीव नहीं कर पाऊंगी. नाउ थर्ड इज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के बारे में आप जानते हो क्योंकि आप अपने सारे एटमॉस्फेयर करते हो हर वे में. आप से बोलो, सिबलिंग से बोलो, हर वे में आप किसी ना किसी से रिलेटेड हो. अभी भी आप ये सेशन में मुझसे या बाकी पार्टिसिपेंट से रिलेटेड हो बट आपको समझा. जैसे अगर आप हेल्दी नहीं हो
फिर आपकी इमोशंस राइट नहीं है, आप चीजों का मीनिंग अच्छे से नहीं निकालते हो, हर चीज को निगेटिवली देखते हो, तो अपने आप आपके रिलेशनशिप पे उसका असर आएगा और वो बिगड़ेगा। अभी आप देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, आपको वो जाके अटेंड ही करनी है, उसमें से आपको बहुत सारा आउटकम मिलने वाला है, उससे आपकी बहुत सारी प्रोग्रेस होगी, और उसी टाइम पे आपके घर पे आपके बच्चे का बर्थडे है। बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में फेस करी होगी कि दो सिचुएशंस आती है, एक टाइम पे आपको एक जगह पे प्रेजेंट भी होना आता है, बट दूसरे टाइम पे वहां पे रिलेशनशिप जो लोग हैं हमारे घर के वो वेट करते होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपका रिलेशनशिप का पिलर एकदम स्ट्रांग है, आपने रिलेशनशिप के पिलर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा उनको हैप्पीनेस दी है, तो अपने आप से वो आपको टाइम देंगे कि आप जाके वो मीटिंग अटेंड करो। वही अगर आपने बहुत अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट रखा है, तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप वो मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो, आप रिलेशनशिप को भी उतने ही पॉजिटिवली और प्यार से अटेंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो उसका इफेक्ट आपके वर्क पे अपने आप आएगा, दैट इज द फिफ्थ लेयर। आपको समझा, ये एक दूसरे से इस वे से रिलेटेड है। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखते हो, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके वर्क पे प्रोफेशन पे आएगा, आप उतना 100% उधर दे पाओगे, आप हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपका वर्क एंड प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तो अपने आप से आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंसेस में बहुत सारी चीजें आती है, वन विच यू अर्न, सेकेंड आप इन्वेस्ट करके अर्न करते हो, यू सेव, ठीक है, तो फाइनेंसेस आपके बेटर हो जाएंगे। इफ योर फाइनेंसेस आर बेटर, देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अगर मेरे पास 10 रुपीज है, देन आई कैन लेंड यू 5 रुपीज, इवन 9 रुपीज। तो आपको समझा, पहले आपके पास कुछ है तो आप दूसरे को दे सकते हो। तो ये पिलर एक दूसरे से इस वे से रिलेट करता है। नाउ इफ यू हैव समथिंग इन बिहाइंड, तो आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो, अपने आप के ऊपर स्पेंड भी कर सकते हो, वो सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं, टाइम के फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके लोगों से बॉन्डिंग, रिलेशनशिप का पिलर अच्छा है, तो अपने आप से आपके रिलेटिव्स आपके साथ रहेंगे, दे विल बी इन योर हैप्पी एंड द सैडेस्ट मोमेंट ऑल्सो। सिमिलरली अगर आपकी फिजिकल बॉडी ही फिट नहीं है, बट आपके पास बहुत पैसे है, then there is no use, you cannot contribute or celebrate. Similarly, ये हर एक pillar जो है वो strong रहेगा तो ही आप अपनी life को master कर सकते हो। वैसे ही मैंने आपको एक second image send करी थी, जैसे आपने आज तक अपनी लाइफ में अलग अलग आपकी है ना कुंडलियां बनाई होगी, किसी ने आपको एस्ट्रोलॉजी का आपका कुछ ना कुछ बताया होगा कि ये प्रॉब्लम है, आज का दिन आपका इस तरीके से जाएगा, दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ का पूरा एक एस्पेक्ट आपको बताएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो और आपने क्या करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चेंज होंगे और आप अपनी लाइफ को फुलफिल कर पाओगे, जी पाओगे अच्छी तरीके से। अभी आप देखो यहाँ पे हर एक सेक्शन, जैसे यहाँ पे दिया है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप देख रहे हो नंबरिंग दिया हुआ है ये सर्कल के अंदर, ये डॉट्स को अगर आप सेंटर से काउंट करते हो फ्रॉम द सेंटर, तो आप देखोगे ये 10 डॉट्स है टोटल। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स दूंगी, आपने ये इमेज बनाया नहीं होगा तो अभी भी आप बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। या सिर्फ आप हर एक चीज के सामने, जैसे फर्स्ट इज योर फिजिकल बॉडी, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेड करना है कि आप फिजिकल बॉडी में आज के डेट में, पहली बात तो आप यहाँ पे अपनी डेट डाल लो, फिर आपको ग्रेड करना है कि आप 10 में से खुद को क्या पॉइंट्स देते हो। अभी आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, तो आप खुद को ग्रेडिंग कर रहे हो कोई नहीं, आप कोई भी एस्पेक्ट में अगर खुद को ग्रेड कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे आप हो सके तो वो पॉइंटर्स लिखना कि जिसकी वजह से आप खुद को ग्रेड कर रहे हो। जैसे अगर फिजिकल बॉडी का आपका ग्रेडेशन, देखो सबके क्राइटेरिया अलग अलग होने वाले हैं, मेरे क्राइटेरिया अलग हो कि आपके अलग हो गए, किसी को अपने बॉडी वेट पे वर्क करना है, किसी को अपने हेयर्स पे, किसी को अपने स्किन पे, किसी को अपने है ना जैसे हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है, उनको मसल पेन होता है, कोई इलनेस से सफर कर रहा है, तो सबके क्राइटेरिया अलग अलग हो गए टू द लेवल 10। जैसे मेरे को, जैसे हम लोग एक स्केल कर रहे हैं, 10 में से आप अपनी फिजिकल बॉडी को कितना स्कोर दोगे और क्यों दे रहे हो, वो 1, 2, 3 कोई भी क्राइटेरिया, 1-3 क्राइटेरिया अगर आप मेंशन करते हो ना, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप 6 महीने के बाद सेम रिपोर्ट को देखोगे और सेम डिसाइड करोगे कि अभी मेरे को 10 में से आज मैं फिजिकल बॉडी में कितनी पहुंची हूं, जैसे पहले समझो आपने 4 लिखा है और आप सेम क्राइटेरिया पढ़ के आप डिसाइड करते हो कि चलो अभी मैं अभी तो भी 6 पे आ गई हूं,
देन यू कैन सी द प्रोग्रेस. समझ में आया? क्योंकि क्या होता है, 6 महीने के बाद आप वो पॉइंटर्स भूल जाओगे कि आप यहाँ पे 4 दिया था. ओके, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जैसे फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, तो आप अपने क्राइटेरिया खुद डिसाइड करो, जैसे फिजिकली फिट होना, फिर उसके बाद बॉडी को मूव कर पाना, किसी को कोई पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है, किसी को मैराथन में जाना है, किसी को खुद की फिटनेस पे, किसी को फिजिकल फिगर जो अपनी बॉडी के रहती है वो पर्टिकुलर अचीव करनी है. तो आप आज के डेट में कहाँ पे हो? जैसे समझो आपका क्राइटेरिया है 53 kg का वेट होना और आज आप 62 पे हो, तो आप खुद को कहाँ देखते हो? आपका स्कोर आज 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या? जो भी स्कोरिंग आप करते हो, और उसके बाद आपको नेक्स्ट में जब बताऊंगी वो करना है. सेकंड इज योर मीनिंग, इमोशंस एंड मीनिंग. जैसे आपको लाइफ में कोई ना कोई चीजें हर्ट हुई है, ठीक है, कोई ना कोई चीजें हैप्पीनेस फील करवाई है आपकी लाइफ में, आप कोई ना कोई इमोशंस को अभी कैरी कर रहे हो. जैसे आप सैड हो, आप हैप्पी हो, या आपको गिल्ट फील हो रहा है कोई चीज का, आपको सॉरो फील हो रहा है, आपको पैशन फील हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जो भी है आपकी जो इमोशंस, जो भी अभी आप फील कर रहे हो, बट इसमें आप कैसे खुद को क्राइटेरिया रख सकते हो कि मैं मेंटली कितना फिट हूँ कि मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ. मैं अंदर से हर्ट हूँ, मेरे को किसी ने हर्ट किया है, मेरे को किसी ने गुस्सा दिलाया है, बट आई एम मेंटली कितना स्ट्रांग कि मैं इसको ओवरलुक करके अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ. समझे? तो आप उस बेस पे भी ये इमोशंस एंड मीनिंग को देख सकते हो. मीनिंग्स के ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हो कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है और आप उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है, कि मैं हर चीज को ऑप्टिमिस्टिकली लेती हूँ, ठीक है, मैं हर चीज का एक पॉजिटिव साइड देखती हूँ. आई वेट कि अगर मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो आई एम वेटिंग कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आगे जाके होने वाला होगा जो आज मुझे समझ नहीं आ रहा है. अगर आप ये चीजों में सोचते हो तो आप अपने आप को ग्रेड कर सकते हो 5-6, है ना. वही अगर आप भी आपको लगता है कि आपकी मीनिंग्स राइट नहीं है, आप हर चीज को नेगेटिवली देखते हो, आप झगड़ालू ज्यादा हो, आप जल्दी से चीजों को, है ना, गलत चीजें जल्दी से करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो, तो वही आपका स्कोर कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाएगा. सिमिलरली रिलेशनशिप, अभी आप रिलेशनशिप को अपने आप के क्राइटेरिया रख सकते हो कि मेरा सामने वाले से बॉन्डिंग कितना अच्छा है, मैं अपने रिलेशनशिप में कितना टाइम हैप्पीली स्पेंड कर सकती हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में क्या दे रही हूँ, या मेरा रिलेशनशिप कितना अच्छा है हर किसी से. अगर मैं मुश्किल में हूँ तो कितने लोग मेरे को बैक आंसर कर रहे हैं, या मेरा रिलेशनशिप, जैसे नहीं, बहुत लोगों का मदर के साथ अच्छा रहता है बट इन लॉज के साथ नहीं अच्छा रहता है, तो डू यू वॉन्ट इट राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके क्राइटेरिया में वो हो कि आपको इन लोग से रिलेशन अच्छा करना है, बट आपको समझा, जैसे आपके वर्क पे आपका रिलेशन हो, आपके जैसे मेरा मेरे पेशेंट के साथ होता है, आपका आपके कस्टमर के साथ होता है, आपके आपके फैमिली में होता है, आपके बच्चों के साथ होता है, आपके एम्प्लॉयज के साथ होता है, तो आपका रिलेशनशिप कितने लेवल पे, कितने के साथ बॉन्डिंग अच्छा है वो आप ग्रेड कीजिए. देन द पिलर इज ऑफ टाइम. टाइम इज अबाउट बीइंग पंचुअल, टाइम इज अबाउट बीइंग डिसिप्लिन. या तो टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरा हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ. इट्स ओके टू वेक अप एट 7, बट अगर आप फ्रेश फील करते हो, आप उस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करते हो, आप जो मोमेंट में जहां पे हो फिर भी आप अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आप अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो. देन नेक्स्ट इज योर वर्क एंड प्रोफेशन. हम लोग के अलग अलग एम्बिशंस रहते हैं. बहुत बार आप भले ही हाउसवाइफ हो तो भी आपका भी आपके वर्क से रिलेटेड कोई ना कोई एम्बिशन होगा. जैसे मेरे को मेरा काम करके मेरे लिए खुद के लिए इतना टाइम निकालना, ये भी एक आपका वर्क या एक पैशन हो सकता है, एक मिशन हो सकता है लाइफ में, कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, आप अभी कहाँ पे हो. तो आप 10 में से खुद को ग्रेड कीजिए कि आपके क्राइटेरिया क्या है वर्क के बारे में. फिर वो अचीवमेंट हो सकते हैं, आपको कितने कस्टमर्स चाहिए वो हो सकते हैं, आपका कितना, या आपको अपने प्रोफेशन में ही आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं अपग्रेड चाहिए है. अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आप अपना काम के बारे में आपको खुद को कुछ एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि कब वो जाके 10 या परफेक्ट होगा. सिमिलरली इज अबाउट फाइनेंसेस. आप एक गोल, अभी आप किस लेवल पे हो, आपको जो चाहिए है वो नेक्स्ट 10 कंसिडर कर सकते हो, बट उसमें से अभी आपने अचीव किया है क्या, या आप किस लेवल पे, आप 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो. इट कैन बी इनकम ऑल्सो, इट कैन बी सेविंग्स ऑल्सो, इट कैन बी पैसिव इनकम ऑल्सो.
ठीक है. नाउ लास्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेशन. अभी अगर आप इतना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में बट अगर आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो तो व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस. दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको फ्यूल देता है बाकी सारी चीजें करने के लिए. तो आप कितना दूसरे को देते हो, आपको पता है लॉ ऑफ गिविंग में अगर हम लोग एक सीड देते हैं तो पेड़ आपको इतनी सारी फ्रूट्स रिटर्न में देता है. सिमिलरली आप अपने लाइफ में सोसाइटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो क्या, या आप कुछ खुद सेलिब्रेट कर रहे हो क्या, तो उसको आप यहाँ पे ग्रेड कीजिए. अभी आप अब जब ऑफ लाइफ में चीजों को ग्रेड करोगे तो देखिए आपको क्या करना है. अभी आपने ग्रेड कर लिया आज की डेट के हिसाब से. नाउ नेक्स्ट आप 6 महीने के बाद खुद को कहाँ पे देखते हो उस हिसाब से एक मार्किंग करके रखिए. जैसे आप देखोगे ऐसा कुछ पिक्चर आपको दिखेगा. अभी यहाँ पे एक मिस्टेक या ये जो पेज है दैट इज अ मिस्टेकन पेज. अभी मैं बहुत बार क्या होता है कि आप समझो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज फिजिकल बॉडी, सेकेंड वॉज इमोशंस एंड मीनिंग. इफ यू आर बेस्ट इन इमोशन एंड मीनिंग, आप ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आप जस्ट अ सेकेंड, हेलो, इफ यू आर बेस्ट इन समथिंग ना, ये देखोगे ये पहिया है आपकी लाइफ का. अगर गाड़ी चलती है और पहिया अगर ऊपर नीचे है तो आपकी गाड़ी अच्छे से स्मूथली चलेगी क्या, नहीं चलेगी. तो आपको समझा अगर आप कोई इसमें बेस्ट हो ना तो रादर देन वर्किंग ऑन दैट ट्राई वर्किंग ऑन द थिंग्स विच यू आर नॉट बेस्ट ऑन. और ट्राई करो सबको 10 तक भले ही ना पहुंचाओ, बट अगर आप समझो आप कोई चीज में 7 या 8 हो तो बाकी भी जो बाकी के जो क्राइटेरियाज है बाकी के जो लेयर्स है उनको एटलीस्ट आप 8 या 7 तक खींच सको तो आपको एक स्मूथ चीज दिखेगी. ऑलराइट, तो वो व्हील सक्सेसफुली कंप्लीट होगा. तो नेक्स्ट 6 months में रादर देन ट्राइंग टू जंप ऑन डिफरेंट थिंग्स, और आपकी ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना सक्सेसफुल या मास्टरी लाइफ की करनी है तो ऐसी चीज पे वर्क कीजिए जिसपे आप कम हो, कहीं ना कहीं लेवल में आपका रेटिंग वहां पे कम है. जैसे ना आपकी कुंडली आपको दिखाती है कि आपने किस चीज में हाथ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दिस नाउ द व्हील ऑफ लाइफ इज योर मेन कुंडली ऑफ लाइफ, कि आप अगर सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो आपको किस जोन में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, किस चीज को किस फेस से जीना चाहिए. आपको समझा, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में अगर समझो आपने किसी को ग्रेड 1 भी दिया है ना, इन दिस ग्रैटिट्यूड जर्नी आपको आज ये करना है कि एटलीस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको ये लाइफ जीने मिली है, एंड एटलीस्ट आप वो 1% खुद को ग्रेड कर सकते हो. और ग्रैटिट्यूड का रूल ही है, अगर आप खुद को ग्रैटिट्यूड या कोई चीज को ग्रैटिट्यूड देते हो तो वो अपने आप से बढ़ती है. ठीक है, तो अगर आप आज इस चीज को ग्रैटिट्यूड दोगे कि आपको समझो फिजिकल बॉडी में 2-3 जो भी आपकी रेटिंग है तो आप वो 8 तक खींच पाओगे. बट अगर आप वो 2 को भी ब्लेम करोगे, अरे यार मेरा स्कोर तो 2 ही है, तो वो भी डिटोरिएट होके नीचे चले जाएगा. दैट इज द रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिस चीज को आप थैंक यू बोलोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ते 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 ही जाएगा. Am I clear till now? किसी को कोई डाउट है you can ask. अगर आपको examples चाहिए, आपको क्राइटेरिया में कि मैं क्या रखूँ क्राइटेरियाज, या आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो या अभी भी पूछ सकते हो. ओके, वेरी क्लियर मैम. यस, ये फाइनेंस जो हम हाउसवाइफ है, अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है अभी, तो हम कैसे कर सकते हैं फिर? अभी फाइनेंसेस का मुझे अच्छे से नहीं समझा. ओके, तो अभी फाइनेंस का जैसे नहीं, आपको खुद को फाइनेंशियली फुलफिल्ड कैसे लगेगा वही मैं आपको बोल रही हूँ. ये रेटिंग का सबका क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. मेरा क्राइटेरिया शायद ऐसा होगा कि 1 महीने में मेरा इनकम इतना होना चाहिए, या मेरा जो कुछ भी पैसिव इनकम है उसमें से मुझे इतना मिलना चाहिए. बीइंग अ हाउसवाइफ आप अपना क्राइटेरिया रख सकते हो कि आपको फाइनेंशियली फुलफिल्ड कैसे लगेगा. आप खुद को वैसा क्वेश्चन कीजिए. आपको समझा, सबसे बेस्ट चीज ये है ये व्हील ऑफ लाइफ की, कि वो सबके लिए डिफरेंट होने वाला है. सबके क्राइटेरियाज फॉर रेटिंग विल बी डिफरेंट. तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद को पूछिए कि आपको कब लगेगा फाइनेंशियली फ्री. आपको जैसे नहीं, बीइंग अ हाउसवाइफ उल्टा स्ट्रेस ज्यादा होता है क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर द इनकम टू कम इन.
तो आपको समझा, आपको फाइनेंशियली फ्री कब लगेगा? तो आप ऐसा खुद को क्वेश्चन कीजिए, जैसे एक हाउसवाइफ मेरी पेशेंट थी, उसने बोला था कि अगर मेरा हस्बैंड बराबर 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर करे तो आई फील फाइनेंशियली फ्री। आपको समझा? या मेरे को मेरे टाइम पे वो जो मेरे एक्सपेंसेस है उसकी अमाउंट मेरे को मिलती रहे टाइम से, देन आई फील फाइनेंशियली फ्री, है ना। एक बैट में आपके दिमाग में उसके बारे में, फाइनेंसेस के बारे में क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यू कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चन, तो आपको क्राइटेरिया मिलेंगे। अगर आपको वो क्राइटेरिया मिलते हैं कि अगर मेरी सेविंग इतनी रहे, मेरे अकाउंट में इतने कॉन्स्टेंट बैलेंस रहे, तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा पैसों का, तो वो आपका क्राइटेरिया बन जाता है। आपको ऐसा है कि मैं काम नहीं करूँ फिर भी मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, या मैं पार्शियल या पार्ट टाइम जॉब करूँ तो मेरा ना गोल ऐसा रहेगा, तो जो कुछ भी आपका है, या मैं वापस जॉब को रिज्यूम करूँ, या मैं कुछ और चीज़ ट्राई करूँ, या मैं कुछ आर्टिस्टिक और चीज़ें नए ट्राई करूँ, तो वो अगर आपके गोल्स में आता है ना, तो तुरंत आपकी रेटिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है बट आपका सिर्फ एक अकाउंट की वजह से अगर आप फाइनेंशियली खुद को फ्री कर पाते हो, फील कर पाते हो, तो फिर आपको उसी पे फोकस करना है। देन यू फोकस ऑन दैट ओनली कि अगर मेरे अकाउंट में इतने हैं तो आई फील फाइनेंशियली फ्री, तो दैट मेक्स द थिंग्स वेरी इजी। तो आपका यहाँ पे रेटिंग में भी वैसा ही चेंज आ जाएगा। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी देखिए, जैसे आपने ये व्हील ऑफ लाइफ को किया है, जैसे नेक्स्ट मैंने आपको एक टाइम दिया था कि अभी आप ये कीजिए कि 6 महीने के बाद आपको खुद को कहाँ देखना है, ठीक है, इनटू दिस रेटिंग। फिर आप खुद को 6 महीने के बाद अभी देखिए, अगर मैं सेम चीजें कर रही हूँ मेरी लाइफ में, सेम टास्क कर रही हूँ, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं सेम वो ही सारी चीजें अपनी लाइफ में, जैसे एक रूटीन हमारा रहता है, मैं वही फॉलो कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि मैं ये जो मेरा अचीवमेंट है, जो गोल मैंने अभी आपने खुद ने भी सबने स्केल किया है कि 6 महीने के बाद मुझे खुद को यहाँ देखना है, तो आप वो पा सकते हो क्या? क्योंकि आप तो सेम चीजें कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे। अभी वो सेम चीज करने के बाद आज की जो आपकी रेटिंग है वो आपके सामने है। अगर आपको 6 महीने के बाद आपकी रेटिंग में चेंज चाहिए, तो आपको आपकी एक्टिविटी में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज तक जो आप जी रहे थे, आज तक जो आप खुद को बोल रहे थे, दैट इज योर ओल्ड स्टोरी, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोरी, ठीक है। जो आप अपने बारे में जानते हो, अपने बारे में मानते हो, आपके बारे में आप जो कुछ भी आज तक समझते हो, दैट इज योर ओल्ड स्टोरी। आपको समझ में आया? जो आज आपने रेटिंग करी है, दैट इज योर ओल्ड स्टोरी। एंड इफ यू वांट, अभी जो आपने नया रेटिंग किया है कि 6 महीने के बाद आपको जहां पे भी पहुंचना है, दैट विल बी योर न्यू स्टोरी। बट अगर मैं वही पैटर्न जीती हूँ जो मैं पहले जी रही थी, तो मैं यही स्टोरी में रहूँ, यही मेरा रेटिंग 6 महीने के बाद भी होगा। तो अगर आपको ये रेटिंग में चेंज करना है, तो आपको खुद की स्टोरी को पहले चेंज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज योर स्टोरी, व्हाट इज योर स्टोरी मेंट बाय, आपकी स्टोरी बनती किस चीज से? सो द मीटिंग विल एंड विद इन 3 मंथ्स। तो अगर मीटिंग एंड होती है तो प्लीज आप रीजॉइन करना मीटिंग, ओके, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे हमारी ओल्ड स्टोरी हमारे बिलीफ से बनती है। आपका बिलीफ किस चीज से बनता है? जैसे अभी श्रुति मैम ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको एक चीज बताई, ठीक है, उनको वो चीज आज थोड़ी समझ में आई, कल किसी और पर्सन ने वापस वो चीज उनको समझाई, उन्होंने कोई वो वीडियो देखा, वापस उसी में वो सेम चीज रिपीट हुई। यानी क्या, बार बार चीजें परमानेंट होती गई, बार बार उसके बारे में आपको रेफरेंसेस मिलते गए, तो आपका एक बिलीफ बन गया कि अच्छा ऐसा होगा तो ही मेरे मेरे लाइफ में ऐसा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर जैसे मैं एक्सरसाइज करूंगी तो ही वेट लॉस होगा, बहुत लोगों की ये कॉमन बिलीफ है, मैं एक्सरसाइज करूंगी तो ही मेरा वेट लॉस होगा, अगर मैं डाइट पे ध्यान दूंगी तो ही मेरा वेट लॉस होगा। दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल, बट आप देखते हो फिर आपके बिलीफ को एक ट्रिगरिंग फैक्टर का पता है कि एक पर्सन बहुत खा रहा है, कॉन्स्टेंटली खाते रहता है, बट उसका वेट एकदम मेंटेन्ड है, ठीक है। या कोई पर्सन ऐसा भी है जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं बट दे आर कंप्लीटली फिट, ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो आपके बिलीफ को वहां पे धक्का लगता है। बट आज तक तो ये सारा सुना है, तो आपका बिलीफ एक परमानेंट लाइफ में वैसा बन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे संडे के बाद मंडे आएगा, दैट इज आवर बिलीफ, कांस्टेंट बिलीफ है ना, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेनसडे आएगा, दिस इज द बिलीफ वी हैव मेड। और ये हम लोग हमारे बच्चों से भी करवाते हैं, हम लोग उनको कलर ब्रेन में फिक्स करवाते हैं, है ना, स्कूल में हम लोग उनको कलर फिक्स कराते हैं, डेज फिक्स कराते हैं, इसको ए ही बोलते हैं, इसको बी ही बोलते हैं। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि ये आपने स्कूल में सीखा है,
और वो बार बार सीखा है, इसके लिए वो आपकी बिलीफ बन गई। जैसे अगर मेरे को ये आपकी, जैसे मैंने आपको बोला आपको आपकी न्यू स्टोरी डिजाइन करनी पड़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपके ये बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, आपको आपके ओपिनियंस पे, आपके फीलिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ओलंपिक्स में एक रेस होती है, ठीक है, 400 मीटर्स की। तो अभी एक टाइम तक एक रिकॉर्ड था कि 55 सेकंड्स के ऊपर कोई गया नहीं, ठीक है। एक टाइम के बाद एक पर्सन ने उसको 52 सेकंड्स में खत्म किया, तो दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और जिस टाइम पे वो पर्सन ने 52 सेकंड्स में किया, उसी टाइम पे नेक्स्ट ईयर में 20 ऐसे लोग थे जो खड़े हो गए थे जिन्होंने 52 सेकंड्स में वो रेस को कंप्लीट किया। आपको समझा, एक जब तक हमारी बिलीफ में ऐसा रहता है ना कि मेरे को इतने ही सेकंड्स में वो रेस पूरी करनी थी, तब तक कोई उसको एक्सीड नहीं कर पाया। कोई इंसिडेंटली एक पर्सन ने किया, तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों की बिलीफ बदली कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी एक चेंज आ सकता है। तो जब बिलीफ ब्रेक होती है ना, तो अपने आप से आपको न्यू चैनल्स, न्यू एवेन्यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएगी। मीटिंग एंड होने वाली है, जस्ट आप रीजॉइन करना वापस से मीटिंग को।